दोस्तों नमस्कार, मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूं जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी बल्कि उससे कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों रमेश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, रमेश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब रमेश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और वह नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले वह रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। दोस्तों रमेश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।